आज हम तीन दोस्त निकले हैं घूमने बैंफ नेशनल पार्क, जो कि दुनिया में सबसे सुंदर जगहों में से एक है। ये वीडियो बहुत एडवेंचर और एंटरटेनमेंट से भरी होगी, क्योंकि हम घूमने वाले हैं लेक लुइस, बैंफ का ओरिजिनल टाउन, और आखिर में बनाएंगे हम पहाड़ों में मैगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम चले हैं बैंफ। काफ़ी देर से इंतजार था कि बैंफ का व्लॉग बनाएंगे, बैंफ का बनाएंगे लेक लुइस बैंफ, और इसका सारा का सारा टूर करेंगे। अभी दिन के 12 बजे हम कैलगरी में हैं। कैलगरी सारा 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा और हम जल्द ही बैंफ पहुँच जाएंगे। रास्ते को इन्जॉय करते चलेंगे। वैसे भी अब गर्मियाँ आने वाली है तो डे काफ़ी बड़े हैं। 9 बजे जाकर जो अंधेरा होता है, तो आराम से हम चलेंगे, इंजॉय करते चलेंगे। हमारे साथ हमारा लड़कों का ग्रुप देखिए, मस्ती वाला ये करेंगे हम इंजॉय पूरा, ठीक है। और मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा है, आप खुद ही देखिए कि पूरी धूप निकली हुई है। हमने कर लिए गाड़ी रेडी, लड़के रेडी, लड़के देखो तैयार हो चुके हैं पूरे। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया भाई, आप बताओ। खुशी पूरी खुशी? खुशी भाई खुशी, खुशी किसी के हाथ ना आनी। चल भाई, खुशी किसी के हाथ नहीं आनी, तो आज हम लेकर चढ़ेंगे। आज हम चलेंगे खुशी लेने अपने मन की, किसी और की नहीं। चलो चलते हैं सीधा। अब बैंफ सीधा नहीं जाना, सोच रहे हैं कि रास्ते से एक क्या लेना था हमने, कुछ स्टोव सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मैगी और पैन है पर स्टोव है नहीं। सोच रहे हैं कि कनेडियन टायर से स्टोव ले लें, अगर मिलता है तो स्टोव लेकर फिर हम वहाँ पे कैंपिंग वगैरह का जैसे माहौल सा बनाएंगे। चल चलते हैं। चलो भाई साहब, तेल डलवा रहे हैं हम। तेल इसको निकाल कर तेरे मुँह में डाल दूंगा। तुझे गैस चढ़ जाएगी, गैस देखो। नहीं चाहिए गैस, गैस पूरी 20%। एक बंदा हमारा अंदर देखो क्या कर रहा है। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? अंदर बैठा है, कैसे हो गया 60 का? चलो अभी अब चलते हैं सीधा। सीधा कहाँ पे चलते हैं? कनेडियन टायर। आह, ओ ये क्या है? तो गाइस आ चुके हैं हम कनेडियन टायर। यहाँ से हम लेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, हमने लेना है यहाँ से स्टोव लेंगे अच्छे वाला, और वहाँ पे हम मैगी बनानी है हमने। तो ये देखिए कनेडियन टायर माहौल बना है, साथ में यहाँ पे एक बंदा लगा है, ये बेच रहा है कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या बेच रहा है ये भाई। भीड़ बड़ी है यहाँ पे, ये क्या है? टर्फ बिल्डर, व्हाट इज दिस? मिट्टी भी बिक रही है यहाँ पे, मिट्टी पौधे लगाने के लिए। चलो भाई अंदर ढूंढते हैं सामान जो चाहिए हमें। भाई साहब हमें मिला है हमारा सामान, हम ढूंढ रहे थे यही चीज, ये स्टोव। ये 3299 का ये छोटा वाला मिल रहा था, यहाँ पर सेल लगी है 3499 में, ये बड़ा वाला स्टोव मिल रहा है। सो हम सोच रहे हैं कि बड़ा वाला ले रहे हैं, क्योंकि काम तो आता रहेगा, ये तो है नहीं किसी एक बार। ये क्या है भाई? ये क्या है? हाइकिंग के लिए मेरे ख्याल से ना, हाइकिंग के लिए। और ये ले लेते हैं, इसके साथ हमें चाहिए गैस। यहाँ पे प्रोपेन यूज़ होती है, जैसे इंडिया में LPG होती है, यहाँ पे होती है प्रोपेन। ये है $11 की, एंड ये रही प्रोपेन, ये पकड़ते हैं। और हमारा $40 में गैस रेडी, काफ़ी चल जाएगा गैस। अब इसका चेकआउट करा के सीधा निकलेंगे अब हमारी ट्रिप पे, बस इतना ही हमें काम था। कैनेडियन टायर से स्टॉव लेकर हम निकल पड़े हमारे बैंफ नेशनल पार्क के सफर में। रास्ते में हमें इतने सुंदर सुंदर पहाड़ मिले कि उनको देखकर हमारी कई महीनों की थकावट ही दूर हो गई, और ट्रिप के लिए हम और एक्साइटेड हो गए। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम चेक पॉइंट पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फीस देनी है कुछ, कितने लोग हैं उस हिसाब से। मैंने कभी यहाँ पे फीस दी नहीं है, बट ये हम चलेंगे पैसा, और पैसा हमारे पास बहुत है, गरीबों को बांट देंगे पैसा। इनकी जो वालियाँ हैं ये भी मैंने लेके दी हैं, ये शर्ट भी है इनकी है। ये सभी कुछ मेरा है, चलो अब इनको पैसे से खरीद लेते हैं। तो गाइस हमने दिए $33, और साथ में देखो हमें मिली है विजिटर गाइड, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमने बोल दिया विजिटर गाइड हो, तो इसमें विजिटर गाइड ने हमें बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। गाइड होती है, एनिमल के बारे में बताया, सब कुछ फ्री है। और जो टिकट है वो सामने हमने लगा दी, देख सकते हैं आप, टिकट यहाँ पे लगा दी है, कोई भी चेक करेगा तो हमारे पास टिकट का पास है। एंड सी द व्यू, अब हम चले हैं सीधा। पर गाइस आपको एक हमारे बंदे से मिला देते हैं, काफी देर से पीछे बैठा है वो। भाई भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। आप फर्स्ट टाइम कनाडा आए हो और आपने फर्स्ट टाइम ही बैंफ देखा है, आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब कैसा फील कैसा हो रहा है हमें बताइए, हम देखेंगे फिर बताएंगे। हम आपकी फीलिंग जानना चाहते हैं। फीलिंग इज वेरी गुड। तुम्हारी फीलिंग्स है क्या? आपका कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी।
अरे भाई साहब यार इतना बढ़िया व्यू आ रहा है, मजा आ गया मुझे, मतलब मजा आ गया यार, इतना बढ़िया व्यू, आत्मा खुश कर दी आत्मा खुश हो गई यार। सही है भाई, अंजीर ज्यादा खाता है इसलिए थोड़ा टेस्टोस्टेरोन सही है। आजकल हम अंजीर खा रहे हैं, अंजीर डालते हैं हम क्रैनबेरी डाल के, मुझे बादाम का जूस, पिस्ता, केले सब कुछ डाल के हम एक बढ़िया सा शेक बना के पी के आए हैं, इसलिए एनर्जी लेवल थोड़ा हाई है। समझे नहीं समझे कोई बात नहीं। तो रास्ते में आते आते हमें एक लेक दिखा, यहाँ पे गाड़ियाँ लगी थी और हम वहाँ पे आ गए। ये देखो ये रहा लेक, बहुत ही सुंदर लेक लगा, यहाँ पे गाड़ियाँ लगाई थी, बैंफ साथ में ही है, थोड़ा सा रास्ता यहाँ से था, मे बी ये भी बैंफ में ही आता है। सो सारा का सारा जो है ये बैंफ नेशनल पार्क में आता है ना, अगर हम सही हैं, क्योंकि हमने बैंफ नेशनल पार्क की एंट्री फीस ली, जो एंट्री फीस दी थी हमने वो थी $33 और उसके बाद हमें एंट्री मिली है नेशनल पार्क में। इसमें लेक लुइस, काफ़ी सारे लेक और पहाड़ वगैरह आते हैं। और गुरिंदर एक बात बता, तुम आए हो कनाडा, तुम्हें लगाया 20 लाख रुपए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, तुझे कोई रिग्रेट हो रहा है? नहीं कोई रिग्रेट नहीं। नहीं काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि कनाडा आए आना नहीं चाहिए, बहुत बेकार ऐसे वैसे, पता क्यों लगता है उनको बेकार? जब आप इंसान की बनाई चीज़ों को खरीदते हो, घर गाड़ी पैसा, ये इंसान का बनाया है भाई साहब, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करो जो गॉड ने बनाई है, समझते हो ना? ये सब कुछ गॉड ने बनाया है, देखो नेचर ने बनाया है, सो इनको एक्सप्लोर करो, इसके लिए हमारा जीवन बना है। गाड़ियों के लिए, घर के लिए, वो तो अलग चीज़ है, वो चाहिए हमें, नेसेसिटी है दुनिया में उसकी, बट ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट्स वाई इंसान को खुशी तब ही मिलती है जब वो जहाँ से पैदा हुआ है, यहाँ से वो बड़ा हुआ है, वहाँ पर आके थोड़ा टाइम स्पेंड करे। तो देखो यहाँ पे काफ़ी फॉरनर्स हैं, फॉरनर, इसको फॉरनर कैसे बोलो, फॉरनर तो हम है ना इनको फॉरनर बोल रहा हूँ यहाँ ये देखो ये इकट्ठे हो रहे हैं, हम फोटो खिंचाएंगे। भाई साहब फीलिंग बताओ, कैसा फील हो रहा है? फीलिंग इज वेरी गुड भाई, कोई कोई तो बात बोला कर भाई, इसके एक्शन से पता लग जाएगा कि न्यू कमर है। ये है न्यू कमर्स, बहुत ही अच्छा व्यू है यार, मजा आ रहा है, मजा। कैसे आपको कैसे फील कराऊं ये चीज, मतलब जब आप काम करते हो 4-5 दिन और उसके बाद आप आते हो यहाँ पे घूमने, जो आपने कमाया वो फिर देने वापस इनको, तो अच्छा लगता है। ये देखो देखो भाई साहब, वाह वू, ऐसे सेल्फी ले ले, ले लेते हैं ना गाइस, कैसे ऐसे ऐसे सेल्फी लेते हैं, ऐसे हाय चीज जा भाई जा जा, हाथ लगा हाथ लगा, जाके जा हाथ लगा, जा 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 जा, एक बार नहीं कहती कुछ, नहीं कहती कुछ, ट्राई तो कर उसको, उसको पैट कर ना, पैट कर नहीं जाके एक बार भाई वो डराती है, इंडिया वाली भाग जाती है, डराती आगे से, ये जंगली राइट है, 911 पे कॉल करते हैं, यहाँ ये कहती मैं कनेडियन हूँ, मेरे पास राइट है। इस जगह कुछ समय बिताने के बाद हम निकल पड़े लेक लुइस की तरफ, जिसको बोला जाता है कि वो दुनिया में सबसे सुंदर लेक्स में से एक है। लेक की तरफ जाते वक्त हमने एक प्लाजा देखा और वहां रुकने का सोचा। तो गाइस लेक लुइस से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हमने अभी स्टे लिया है, अभी रुके हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे आरवी वैन्स काफी सारी चलती हैं, अभी लोग यहाँ पे आरवी वैन ले लेते हैं, और आरवी वैन ने आपको पता है कि फैमिली अच्छी रहती है, इसमें हमारा टॉयलेट होता है स्टे करने के लिए, रेस्ट करने के लिए होता है। और ये देखो आपको दिखाई देता हूँ अच्छी तरह से, अब यहाँ पे स्टे करने के लिए रुके हैं, तो कुछ खाते पीते हैं, अगर कुछ सस्ता मिले यहाँ पे, पता नहीं कोई चीज़ एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि पता है ना आपको कि कनाडा में MRP या फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं होता, सो इट मीन्स यहाँ पे कहीं पर भी कोई भी प्राइस मिल सकता है हमें। सो देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए थोड़ा बहुत खाने के लिए, स्नैक्स ठीक है, नहीं तो मैगी तो हम बनाएंगे कैंपिंग करते वक्त। तो भाई हमें अभी अभी ना नदी मिली है यहाँ पे, इधर आ भाई देख, ये देखो स्नो भी अब स्नो तो इतनी देर से कैलगरी में पड़ी भी नहीं है, और यहाँ पे मुझे लगता है कुछ दिन होएंगे स्नो को,
ये देखो नदी मिल गई हमें, ये है फ्रेश वाटर, इसको हम पी भी सकते हैं बड़े आराम से, ठंडा पी के दिखाऊं? हाँ। ये पी के दिखाते, ले पकड़। अब इसको फ्रेश वाटर को, इतना मिनरल वाटर है ना, मतलब बहता पानी। मैं साइड देखता था, वो बोलता था बियर ग्रिल्स कि जब आपको बहता पानी मिले तो आप उसको पी सकते हो, खड़े पानी को उबाल के पिए। बहता पानी जो है मिनरल वाटर होता है, नेचर इट इज बेस्ट। लाइक सब्सक्राइब ठोको। देखो ये क्या है, ये कैसी, देखो ये क्या चीज है, देखो देखना, देख देख सारी बर्फ टूट गई। भाई ने बर्फ तोड़ने का ठेका ले लिया आज। सब्सक्राइब ठोको अभी, डांस करके दिखाओ भांगड़ा। तो भाई साहब अब आए हैं स्टोर में, और स्टोर में देखो फ्रूट्स पड़े हुए हैं, नॉर्मल स्टोर है, यहाँ पे मिल गया हमें, और यहाँ से हम कुछ खाने के लिए ले सकते हैं। एवोकाडो भाई, एवोकाडो मुझे नहीं पसंद, ये बिल्कुल नहीं पसंद। ये भाई ये देख, ये चिप्स है ना, केले वाले चिप्स। ये इंडियन सामान लग रहा है। भुजिया भाई, भुजिया, ये भुजिया ही पड़ा है। चल देखते क्या लेना है यार। भिंडी के पकौड़े, हाँ ओकरा, वाह ओ माय ओकरा, क्या यार कुछ अच्छा देखो। मुझे नाचोस बहुत पसंद है, नाचोस। ये रहे नाचो, इधर रहे, ये एलिफेनो, एलिफेनो वालो, एलिफेनो ये अच्छे होते हैं, ले ले। मैगी तो है, ये तो बस टाइम कास्ट की है। कितने का है यहाँ पे, महंगे बहुत है यार। कितने का ये, प्राइस नहीं लिखा, मे बी $5 का होगा, $5 का ही सब कुछ, ओवर प्राइस। ये नीचे मिलता है हमें $2-2.5 का सारा। तो गाइस अब आ चुके हैं हम लेक लुइस, जो कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, और बैंफ का सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है, सबसे ब्यूटीफुल एरिया है, और आई थिंक ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है। ये क्यों है ये आपको आगे ही दिखाऊंगा मैं। भाई साहब अभी ना मई का महीना चल रहा है, और बर्फ देखो, ये बर्फ देखो, चेक करो। अरे भाई, अरे भाई, वहाँ पर सारी बर्फ जमी है लेक पे, लेक तो जमा पड़ा है अभी, ये तो स्कैम हो गया। फिर भी यार ब्यूटीफुल लग रहा है, लेक पर चल भी नहीं सकते, बर्फ़ है कच्ची कच्ची, सो ऊपर चल भी नहीं सकते, और बर्फ़ की वजह से इतना सुंदर भी नहीं लगेगा, बट स्टिल देख तो काफ़ी बड़ा रहा है, देखते हैं वहाँ पर जाकर। तो गाइस अब आपको दिखाने वाला हूँ वो व्यू जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं, चेक करो, वाह इतना खतरनाक व्यू आ रहा है, क्या बताऊँ मैं, ये आँखों से ही दिख रहा है, ऐसे तो नहीं दिख रहा। क्या मौसम हसीन हो रहा है, क्या बात भाई, क्या बात। अब लोगों को देखा कि ये चल रहे हैं, सो हम भी जाएंगे, ऊपर चल सकते हैं, क्योंकि लेक सारी की सारी फ्रोजन है इस वक्त, क्या बात, सारी लेक फ्रोजन। लोग यहाँ पर हर प्रकार के देखने को मिल जाएंगे, हर दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पर मैंने देखे हैं, क्या बात यार। देखो हमारे पंजाबी दोस्त भी कहा भी हैं यहाँ पर, और इतना बढ़िया है ना यार, पीसफुल, मतलब इसको एक्सप्लेन कर नहीं सकते, इतना पीसफुल एरिया ये। ओह ब्रो, यहाँ से गीला है, यहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं। ये देखो, दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे नीचे लेक है, ये टूट जाएगी आगे से, तो कर 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 दिखा, यहाँ से आ गया आगे, थोड़ी सी सॉफ्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो बर्फ पड़ी है, तो हमने जैकेट क्यों नहीं डाली, सभी के सभी लोग ऐसे आए, ठंड क्यों नहीं लग रही, इवन पीछे भी देख लो लोगों ने टी शर्ट डाली है, कि इनको ठंड क्यों नहीं लग रही। रीज़न ये है कि यहाँ का टेम्परेचर 18-19 डिग्री है, और फील्स लाइक जो 25 फील्स हो रहा है, क्योंकि धूप इतनी तीखी है यहाँ पे, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, बट यहाँ पर सारी की सारी बर्फ है, विच इज़ लाइक एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसा जो वेदर है शायद दुनिया में कुछ जगह पर मिलेगा हमें। वो सामने वाले पहाड़ क्या क्रेजी लगते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या कर रहे हो,
पहाड़ के आगे आगे पहाड़ सो ना, मैं तो चिल कर रहा हूँ। या भाई गाइस ये चेक करो, यहाँ पे होल है और पूरा भाई पैर चला गया अंदर। गाइस गाइस भाई बर्फ टूट रही है यहाँ से तारी की तारी। ओ माय गॉड, यहाँ से ना अंदर देखो सारा का सारा ना हाथ जा रहा है, सो सारा लेक टूट रहा है यहाँ से, गिर गए तो। चलो भाई यहाँ पे रिस्क है, नीचे गिरते। ओहो पैदल तोड़ के दिखा, यहाँ पे डांस कर, डांस कर, डांस कर, रैंप वॉक, रैंप वॉक, कैट वॉक, कैट वॉक। भाई यहाँ पे ना डर लगता है, लोग देखो कैसे कैसे यहाँ पे लोग, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग आए हैं, प्रकार मतलब देख सकते हैं आप, रंग बिरंगे लोग, कुछ एशिया के, कुछ वेस्ट के, समझ रहे हो ना, मतलब मल्टी कल्चर, इंडिया को डाइवर्स बोलता हूँ मैं, इंडिया तो बहुत डाइवर्स कंट्री है, वहाँ पे तो रिलीजन ही अलग अलग है, बट यहाँ पे भी कुछ कम नहीं है लोग, डाइवर्सिटी तो कैनेडा में बहुत ही ज़्यादा है। क्या है, हे मैं थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। लेक के बिल्कुल सामने ये वाला होटल है, ये काफ़ी पुराना और काफ़ी फेमस कनेडियन होटल है, और इसकी खासियत ये है कि जब आप यहाँ पर रहते हो रात को और सुबह आप सनराइज़ देखोगे यहाँ से, तो बिल्कुल सामने से आपको दुनिया का सबसे सुंदर सनराइज़ दिखेगा। चलो भाई आप गाड़ी लेकर कोई ना कोई जगह ढूंढेंगे यहाँ पर हम कैंपिंग कर पाए सेफली और सिक्योरली। चलो भाई साहब आ जाओ आ जाओ, अब आप पीछे बैठेंगे, भाई हमारा आगे बैठेगा, है ना भाई। चलो लेक लुइस को पीछे छोड़कर हम चल पड़े बैंफ टाउन को देखने, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि कनाडा के सबसे सुंदर टाउन में से एक है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं बैंफ के ओरिजिनल विलेज में, विलेज ही है ना बैंफ का, मतलब बैंफ एक्चुअल बैंफ जिसको मैं बोलूंगा म्यूनसिपैलिटी है, शहर है, हाँ थोड़ा सा रूरल एरिया है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये सामने देखो चर्च बनी है, बहुत ब्यूटीफुल सी, और लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग पैदल जा रहे हैं या फिर साइकिलिंग कर रहे हैं, सो यहाँ पे पार्किंग बहुत मुश्किल से मिली है, वो भी कैमरे वाली। चलो इसकी टिकट ले लेने तो हमें टिकट मिल जाएगी। ये जो बैंफ का विलेज है या इसको मैं टाउन बोलूँ, ये इतना काम है कि मतलब दिल करता है कि अपना बुढ़ापा यहाँ पे स्पेंड करें, इतना ज़्यादा शांत है। और यार व्यू, सुबह उठोगे तो व्यू पता क्या दिखेगा आपको, वो सामने देखो, चेक करो, रोज आप देखोगे इतना बड़ा पहाड़, सर्दियों में ये सारा का सारा वाइट हो जाएगा और गर्मियों में हो जाएगा ये रॉकी कलर का, इतना शांत है। और आई थिंक यहाँ पे लोग काम भी करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे अपार्टमेंट वगैरह भी है। और अब ये रहा टाउन का छोटा सा डाउन टाउन कह सकते हैं इसको आप, जहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना, बाकी ये काफ़ी छोटा सा टाउन होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, काफ़ी ज़्यादा ही डेवलप है, बहुत ही साफ सफाई है यहाँ पे। यहाँ का जो पीसफुल व्यू है वो देखकर ना मतलब जितना भी हमारा स्ट्रेस गार्डन, गार्डन हो गया गार्डन गार्डन हो गया, ये भी बोल सकते हैं गार्डन गार्डन हो गया वो ना अच्छा है। हम एक आए भी अच्छे वेदर में, ना गर्मी है ना सर्दी है, क्योंकि चलो लेक लुइस तो हमने बर्फ वाला देख लिया, बट वो भी चीज़ें जो देखनी होती हैं यहाँ पे बैंफ में, बैंफ छोटा तो है नहीं, बैंफ है क्या भाई, जैसे हमारे वहाँ पे होता है ना चंबा हिमाचल में चंबा डिस्ट्रिक्ट टाइप, वैसे ये डिस्ट्रिक्ट टाइप होता है ना यहाँ पे बैंफ, तो इसमें छोटी छोटी जगह होती हैं, तो बैंफ का ये एक्चुअल विलेज भी है और बहुत खूबसूरत है, यहाँ प्लेसेस भी बहुत खूबसूरत हैं और यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। Yeah, if you know, you know. सच में यार ये बार थी कोई अच्छा है यार माहौल यहाँ का तो मजेदार है। मैं चाहता हूँ कि आपको ना सारा का सारा दिखा दूँ, बट सारा का सारा एक वीडियो में दिखा नहीं सकता, इसलिए जो मेन शॉट्स हैं या ब्यूटीफुल शॉट्स हैं वो ही आपको मैंने वीडियो में दिखाए, ताकि आपको आइडिया लग सके कि ये जगह है कैसी।
गाइस ये चेक करो, रेंट मी, इसको आप रेंट कर सकते हो, दो लोग चलाएंगे ये साइकिल को, $60 में 3 hours एंड $90 में पूरा दिन, क्वाइट चीप। ये देखो गाड़ी जा रही है इधर, इधर बाइक, और हम इधर चलेंगे भाई साहब, इधर चलेंगे अब। यहाँ पे माहौल बहुत पॉजिटिव है ना, लोग आए अपनी पॉजिटिविटी लेकर खुश होकर, सारा का सारा माहौल है। आपको मैं वॉक इसलिए करा रहा हूँ कि आपको ना एक बैंफ की वॉक मिल जाए घर बैठे बैठे, देख रहे हो दीवाना है कोई इन चीज़ों का, पता नहीं। अच्छा लिकर स्टोर है, लिकर, क्या बात भाई क्या बात, रेस्टोरेंट आ गए यहाँ पे, इंडियन, अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट लग ही रहा था, शक्ल से ही लग रहा था इंडियन रेस्टोरेंट अंदर से ना, पता लग जाता है इंडियन है या चाइनीज है या कौन सा रेस्टोरेंट है, शक्ल देखकर ही पता लग जाता है, क्या बात। भाई यहाँ से ना ऐसे लगता है जैसे डलोजी आ गए हैं, मतलब है ना, ये मतलब बनावट बहुत अच्छी है यहाँ की शॉप्स की, इन्होंने पूरा ना थीम बना रखा है, और सामने चेक करेंगे तो माउंटेन्स हैं बड़े बड़े, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, एक चीज़ की कमी है, चाउमीन, मोमोज, पाव भाजी रोड पे, और थोड़े से प्लास्टिक के पेपर, फिर डलोजी बन जाएगा अगर वो आ जाए तो, उसके बाद हमारा डलोजी कंप्लीट। साहब सामने चेक करो कितना बड़ा पहाड़, वाओ ये क्या है, ये थ्रिफ्ट स्टोर लगते हैं, मतलब स्केटबोर्ड से बनाया है इसको, स्केटबोर्ड से। यहाँ पे देखो लोग वेट कर रहे हैं कि सिग्नल जब वाइट होगा, मतलब वाइट होता है जब पेडेस्ट्रियन को जाना होता है तब ये लोग चलेंगे, कितने लोग वेट कर रहे हैं सिर्फ सिग्नल वाइट होने की, अब हो गया वाइट, अब जो रश पड़ेगा, रश चलेंगे लोग, इसे कहते हैं रूल्स को फॉलो करना, रूल्स बनाने नहीं होते फॉलो भी करने होते हैं। अब सीधा चलते हैं गाड़ी में, और जो मेन काम, लास्ट काम, लास्ट काम, मैगी मैगी ऑन द माउंटेन्स। चलो अभी बाय बाय बैंफ, बैंफ अब तुम्हें मिलेंगे गर्मियों में, अब हम जा रहे हैं कोई, वो साथ वाला लेक था ना, हमने यहाँ पे सबसे पहले गए थे लेक देखा था, वहाँ पे जा रहे हैं हम लेक, और वहाँ पे पानी तो हो गई, सो उस पानी से हम मैगी बनाएंगे उस जगह पर, अगर वहाँ पे अलाउड हुआ हमें स्टोव जलाना, सो लेट्स गो। तो गाइस आ चुके हैं वीडियो के फाइनल पार्ट में, जो कि हमारा सबका फेवरेट पार्ट है, वो है कैंपिंग। कैंपिंग तो हमने कैंप तो लगाते नहीं, बट हम खाना बनाएंगे, खाने में देखो हमने जो सामान लिया था, ये गैस सिलेंडर, ये स्टोव, और उसके साथ है मैगी, कितनी मैगी ले आए हो भाई, और पानी यहाँ से हम फ्रेश लेंगे, एंड चमचे हैं सब कुछ है। अब चलते हैं उधर, मैंने देखा अभी कि देखो वहाँ से धुआं आ रहा है, लोग पहले ही वहाँ पर कैंप फायर कर रहे हैं, सो हम भी वहाँ पर जाके, हमारा कैंप फायर तो नहीं है हम पर स्टोव पर करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा पसंद नहीं है कि ये सारा इधर उधर कोला गिर रहा है, सारा सामान ख़राब हो रहा है, सो डैट्स वाई, समझे ना, अंडरस्टैंड, आप समझ गए ठीक है, इतना एक्सप्लेन नहीं करता होता। चलो अब चलते हैं वहाँ पर। तो हमने ये वाली जगह चूज़ की है, देखो वहाँ पर अलग लोग बैठे हुए हैं, वैसे इन्होंने ये चीज़ दी हुई है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर लकड़ी लेकर आओ और जला सकते हो उसे, काफ़ी बढ़िया है, बट हमने ये लिख रहा है क्योंकि ये काफ़ी कन्वीनियंट है, और यहाँ वहाँ पर देख सकते हो आप फ्लोइंग वाटर, सो फ्लोइंग वाटर हम पी सकते हैं, ताज़ा पानी है, सो वहाँ से हम पानी लेंगे और मैगी बनाते हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ द डे यही है, मेन पार्ट। और ये लोग अपने घर जाते हुए कैंपिंग करने के बाद, और हमारी कैंपिंग अभी शुरू हुई है गाइस, पोर्टेबल चीप एंड बेस्ट। हाउ आर यू फीलिंग? लाइक सब्सक्राइब ठोकिए, कैसे रेड बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे।
जैसे ही हमारा पानी बॉईल हुआ हमने साथ में अपने ये मसाले अंदर डाल दिए, क्योंकि अगर बॉईल हो चुका है तो थोड़े बहुत जो कंटेमिनेंट्स होते हैं इसमें, वैसे तो होते नहीं है फ्रेश वाटर है, बट जो भी होते हैं वो मर जाते हैं, मिनरल तो रहेंगे ही, नहीं तो जो घर पे पानी आता है वो क्लोरीन वाला आता है तो उसमें मिनरल नहीं होते। सो ये तो हेल्दी है भाई साहब, आपकी मिनरल्स जो है वो पूरे हो जाएंगे आज। चल भाई अब मैगी के पैकेट भी डाल दे बीच में। क्या बात क्या बात, मैगी बहुत अच्छी बनेगी। जितनी देर मैगी बन रही है बात कर लेते हैं मेरे नए चैनल की। मैंने नया चैनल बनाया है युवराज सोडी के नाम पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाकर एक बार उसको सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वहाँ पर मैं डालता हूँ एजुकेशनल कंटेंट साइंस पर, पॉलिटिक्स पर और करंट अफेयर्स होते हैं। सो अगर आप स्टूडेंट हो या आप कोई एजुकेशन लेना चाहते हो ज़िंदगी में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से डाटा फाइंड करके वहाँ पर आपको शो करता हूँ बहुत ही सिंपल वे में। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सबसे अजीब बात यह है कि जब हम मैगी पहाड़ों में बनाते हैं तो बहुत ही अजीब सी बनती है, और यहाँ तो कुछ अजीब ही होगा काम, इतने मोटी मोटी मैगी बनी है, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है। और जो ग्रेवी है इतनी गाढ़ी ग्रेवी, मतलब इतनी डेंस ग्रेवी मैंने कभी खा के नहीं देखी, ना ही मैंने कभी देखी है। जब का कैनेडा आया हूँ मैगी खा रहा हूँ, काफ़ी बार मैगी खाते हैं हम, वीकली मेरे हिसाब से 2 बार मैगी खा ही लेते हैं। सो आई डोंट थिंक कि ऐसी मैगी घर पर बन सकती है। आई थिंक ये पानी में कुछ होता है, जो मिनरल वाटर काफ़ी ज़्यादा होता है ना, ये इस वजह से जो मैगी का जो टेक्सचर आता है वो काफ़ी बढ़िया आता है पहाड़ों में। बाकी यार पानी बहुत टेस्टी है सच में यार, घर का पानी ना थोड़ा सा क्लोरीन टेस्ट करता है, ये काफ़ी टेस्टी पानी लगा, थोड़ा सा पानी मैं घर पर लेकर चलूँगा। तो ये रही हमारी फाइनल मैगी, काफ़ी ना अलग सी बनी है यहाँ पर मैगी, और सामने हमारा व्यू चेक करो, अरे भाई साहब क्या व्यू आ रहा है मैगी के साथ। और उधर हमारा भाई लेकर आ गया और पानी, और मैगी बनेगी, हम पेट भरकर मैगी खाएंगे फिर घर जाएंगे, पेट भरकर मन भरकर। पहली वाली मैगियां खत्म कर दी हैं दोस्तों ने, अब राउंड टू की बारी है, राउंड टू खत्म करेंगे भाई साहब। वो मैगी भाई टेस्टी बहुत लग रही है यहाँ पे, सिंपल मैगी तड़के वाले मैगी से ज़्यादा टेस्टी लग रही है, ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सामने व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, देखो मज़ा आ गया। तो दूसरा कटोरा भी हमारा मैगी का तैयार, और व्लॉग को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपको सारा बैंफ का टूर दे दिया, बैंफ का विलेज कैसा है, लेक लुइस कैसा है और कहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं सब कुछ बता दिया। इस लेक का नाम मुझे पता नहीं है पर बैंफ के साथ में है, आप गूगल में सर्च करना पड़ेगा, क्या है यार आल्स मारो। ठीक है यहाँ भी व्लॉग को ख़त्म करते हैं, ठीक है ये सर रास्ते में आता है। सो यही है एक्चुअल बैंफ, जो इतना मशहूर है दुनिया में, एक्चुअल में भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आप यहाँ पे आते हो। अगर कनाडा आते हो तो बैंफ को मत भूलना, और व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगले व्लॉग तक बाय बाय। क्यों पका रहे यार? ओ यार बना ले तो लक्ष्य चौधरी, क्यों पका रहे एक मिनट, वो पंच से पंच मार रहे हैं यार, 2 मिनट रुकूंगा यार, तो स्टार्ट करने आऊंगा, मेमोरी फुल हो गई।